Nota. Nota means none of the above. None of the above means that when you are voting and there are number of candidates which are fielded by various parties and you don't like any of them. आपको जितने भी सारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं या कोई भी पार्टी है आपको कोई पसंद नहीं है तो आप बजाय इसके कि आप वोट डालने ना जाए आप अपना वोट यूज कीजिए और एक बटन दबाइए जिसका लिखा रहता है जिसके आगे लिखा रहता है नोटा. नोटा मीन्स नन ऑफ द अबव जिसे हम राइट टू रिजेक्ट भी बोलते हैं. ये आया कहां से, ये शुरुआत कहां से हुई? 2009 के आसपास कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने लोकल गवर्नमेंट लेवल पे एक रिफॉर्म की तरह नोटा को इंट्रोड्यूस किया. जैसे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन लोगों ने, इन स्टेट्स ने नोटा इंट्रोड्यूस किया, नन ऑफ द अबव. उसके बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन लगाई गई बाय एन एनजीओ और वो एनजीओ थी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी. उस एनजीओ ने ये डिमांड करी कि नोटा को लोकसभा लेवल पर भी इंट्रोड्यूस किया जाए. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दिया कि आप नोटा इंट्रोड्यूस कीजिए लोकसभा इलेक्शन के अंदर. और उसके बाद 2014 के जनरल इलेक्शंस में नोटा इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा इलेक्शंस में. इन द लोकसभा इलेक्शंस 2014 द जनरल इलेक्शन नोटा वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द नेशनल लेवल बिकॉज ऑफ द डायरेक्शंस कमिंग फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट. एंड देन एज ऑफ नाउ नोटा इज यूज्ड इन लोकसभा इलेक्शंस, इन स्टेट असेंबली इलेक्शंस, इवन इन पंचायत इलेक्शन, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, म्युनिसिपैलिटी और पंचायत इन सम स्टेट्स लाइक हरियाणा, लाइक महाराष्ट्र, लाइक छत्तीसगढ़, वहां लोकल गवर्नमेंट में भी इलेक्शंस में नोटा का यूज होता है. मैं आपको एक बात और बता दूं कि बीच में राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस में भी नोटा को इंट्रोड्यूस किया गया था, मगर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया गया और उन्होंने कहा कि राज्यसभा या लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन में नोटा का यूज ना किया जाए. तो आज की डेट में सिर्फ लोकसभा और असेंबली इलेक्शन या फिर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, वो भी कुछ स्टेट्स में, नोटा यूज होता है. व्हाट इज द वेटेज गिवन टू नोटा वोट? मतलब अगर एक वोट नोटा को जाता है, अगर मैं जाके नोटा को ऑप्शन दबाता हूं तो उसका मतलब क्या होता है? एवरी नोटा वोट इज कंसिडर्ड इनवैलिड वोट. बड़ी अजीब सी बात है बट ये रियलिटी है. नोटा वोट्स को इनवैलिड वोट माना जाता है, मतलब उसे वैलिड वोट की गिनती में नहीं लाया जाता. मतलब एक तरीके से वो वोट बेकार कर दिया गया है. वोट डाला है मैंने मगर किसी पार्टी को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा. सो नोटा वोट्स आर कंसिडर्ड इनवैलिड. हाउएवर इट शोज द ओवरऑल डिसकंटेंट ऑफ द वोटर्स टुवर्ड्स द पॉलिटिकल पार्टीज और द कैंडिडेट्स विच वर फाइल्ड बाय द पार्टी. पार्टी ने जो कैंडिडेट फाइल किए आपका जो डिसकंटेंट है उन कैंडिडेट्स के प्रति या पार्टी के प्रति, ये उसको रिफ्लेक्ट करता है. और अगर आप देखें तो 2014 में नोटा पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा के इलेक्शन में, अभी 2019 में भी नोटा हो रहा है और अलग अलग असेंबली में नोटा का यूज हो रहा है. द परसेंटेज शेयर ऑफ नोटा वोट इज राइजिंग. नोटा का जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ रहा है. क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि लोग अपना डिसकंटेंट बाहर आके दिखा रहे हैं कि जिस तरह के कैंडिडेट आप फील्ड करते हैं, पार्टीज को कह रहे हैं या आप खुद, हम आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, हमें कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए. सो ओवरऑल नोटा रिफ्लेक्ट्स द डिसकंटेंट ऑफ द वोटर्स. हाउएवर नोटा वोट इज नॉट क्रेडिटेड टू एनी वोटर. उसका फायदा किसी वोटर को नहीं होता, इनवैलिड वोट माना जाता है. व्हाट इज द सिंबल ऑफ नोटा? नोटा का सिंबल क्या है? जैसे हर पार्टी का एक सिंबल होता है, जैसे कमल बीजेपी का है, कांग्रेस का हाथ है. नोटा का क्या है? नोटा का सिंबल है एक बैलेट पेपर जिसपे क्रॉस बना हुआ है, एक बैलेट पेपर जिसपे क्रॉस बना हुआ है, दैट इज नोटा सिंबल. नोटा न्यूज में क्यों है? अभी हाल ही में नोटा न्यूज में क्यों है? नोटा इसलिए न्यूज में है बिकॉज एक पीआईएल फाइल करी गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स दैट अगर मान लीजिए नोटा के जो वोट है वो बाकी वोट से ज्यादा हो जाते हैं तो उस वोटिंग को नलीफाई कर दी जाए, दोबारा वहां वोटिंग कराई जाए. मीन्स इन अ केस वेयर द नंबर ऑफ वोट्स विच वेंट इन द फेवर ऑफ नोटा इज मोर देन द वैलिड वोट्स, देन वी शुड नलीफाई दिस वोटिंग एंड गो फॉर रीपोलिंग देयर सो दैट द पार्टीज ब्रिंग फ्रेश कैंडिडेट्स प्रोबेबली एंड देन प्रोबेबली वी कैन गिव वोट टू देम. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया has now asked government of India कि what is their take on this particular issue. जो petitioner बोल रहा है कि अगर nota का share valid vote से ज्यादा हो जाता है तो उस polling को आप cancel कर दीजिए, इस पर government of India का क्या विचार है? Supreme Court of India ने अभी government of India और election commission of India से उनके views मांगे हैं. मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आज की date में nota का share valid vote से ज्यादा भी होता, suppose 100 votes डाले गए जिसमें से 60 vote nota को चले गए, so ज्यादातर वोट nota के फेवर में गए, सिर्फ 40 वोट वैलिड माने जाएंगे जो अलग अलग कैंडिडेट्स को दिए गए. एज ऑफ नाउ आज की डेट में उन 40 वोट से ही इलेक्शन आउटकम डिसाइड किया जाता है,
वो 60 वोट हटा दिए जाते हैं, वो 40 वोट में से जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। तो इफेक्टिवली नोटा ने कोई खास इफेक्ट क्रिएट नहीं किया है, इसके लिए बोल रहे हैं कि नोटा से एक कदम आगे बढ़ते हैं और वहां पे जहां पे नोटा वैलिड वोट से ज्यादा है वहां पे रीपोलिंग कराई जाए, ताकि ये समझ में आए कि ये कैंडिडेट सही नहीं थे, इनको हटाओ, नए कैंडिडेट लाओ, तब शायद हम इनको मंजूर करें और तब वोटा का शेयर कम आ जाएगा वैलिड वोट से प्रोबेबली शायद। नोटा का एडवांटेज क्या है? देखिए अभी मैंने आपको बताया कि एज सच नोटा ज्यादा आउटकम पे असर नहीं डाल रहा है, क्योंकि नोटा के वोट्स इनवैलिड मान के हटा दिए जाते हैं, वैलिड वोट से ही रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, मगर फिर भी एक मैसेज जाता है कि इससे डेमोक्रेसी वाइब्रेंट होती है, बिकॉज वी एज अ वोटर वी आर हेल्पलेस, द काइंड ऑफ कैंडिडेट्स विच पार्टीज आर फील्डिंग और द पार्टीज देमसेल्व्स, वी आर हेल्पलेस, वेरी लेस ऑप्शंस आर अवेलेबल टू अस, और बिकॉज ऑफ नोटा नाउ आई एम डिससैटिस्फाइड विद ऑल द पार्टीज, आई स्टिल गो एंड पुट माई वोट इवन इफ फॉर नोटा, इट्स सेंडिंग अ मैसेज, प्लीज चेंज द कैंडिडेट्स, वी डोंट लाइक देम। सो नोटा से एक तो वोटर्स को ज्यादा चॉइसेस मिली है, पार्टीज को फोर्स किया जा रहा है कि वो रेस्पॉन्सिबल कैंडिडेट फील्ड करें वरना वोट मिलेंगे नहीं। दूसरी बात, दिस हैज ब्रॉट डाउन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और दिस मे फर्दर ब्रिंग डाउन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, हालांकि अभी तक इसका कोई प्रूफ है नहीं, क्योंकि अगर आप देखें तो 2019 में जो इलेक्शन हुए थे द क्रिमिनल लेजिस्लेटर्स हैव इंक्रीज्ड इन द पॉपुलर हाउस, मगर एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि जब पार्टीज रेस्पॉन्सिबल कैंडिडेट फील्ड करेंगी तो वो लोग जो आएंगे चुन के वो ज्यादा सिंसियर कैंडिडेट होंगे और पॉलिटिक्स में क्राइम कम होगा, और ये इसलिए होगा क्योंकि पार्टी को नोटा का फियर है कि जनता कहीं नोटा को वोट ना कर दे, हमें अच्छे कैंडिडेट प्रोजेक्ट कर दे, ये एक एक्सपेक्टेशन है, कितनी सच होगी ये देखना पड़ेगा। डिसएडवांटेज ऑफ नोटा, नोटा के डिसएडवांटेज भी है। अब कभी कभी क्या होता है, आई हैव अ नॉलेज दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड नोटा, राइट टू रिजेक्ट, आई एम बीइंग मेड पावरफुल, मुझे लगता है मैं पावरफुल हो गया, तो उस फीलिंग में उस स्पिरिट में मैं नोटा दबाता हूं, और कभी कभी नोटा को ही माइंड में लेके मैं वोटिंग करता हूं, इसलिए मैं बाकी कैंडिडेट्स पे ध्यान ही नहीं दे रहा हूं, इन द स्पिरिट ऑफ पुटिंग माय वोट इन द फेवर ऑफ नोटा आई मे इग्नोर एक्चुअली द कैंडिडेट्स हु आर सिंसियर, क्योंकि फोकस किस बात पे है कि आई शुड टेक रिवेंज ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज, आई विल नॉट गिव वोट टू देम, और उस वजह से मैंने अपना वोट नोटा को तो दे दिया, मगर एक्चुअली उन अवेलेबल कैंडिडेट्स में कोई कैंडिडेट सही था नहीं था मैंने इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इरेस्पॉन्सिबल वोटिंग भी हो सकती है। पॉइंट नंबर टू, जैसे कि अभी पिटिशनर ने डिमांड करी है कि अगर ये चेंज आता है कि भाई नोटा का शेयर अगर वैलिड वोट से ज्यादा होता है, ज्यादातर लोग नोटा के फेवर में वोट कर देते हैं, तो रीपोलिंग कराई जाए, अगर ये प्रोविजन आ जाता है इससे पूरा प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि बार बार रीपोलिंग कराना एक्सपेंसिव भी है और कंबर्सम भी है, हालांकि डेमोक्रेसी को ही मजबूत करेगा। Was there anything related to Nota before 2014? क्या नोटा जैसी कोई चीज 2014 से पहले थी? आंसर है yes. आप सुन के हैरान हो जाएंगे, 2014 से पहले भी नोटा जैसी कोई चीज थी। वो क्या ऑप्शन था? कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 वो रूल्स है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन करवाता है। उन रूल में एक पर्टिकुलर क्लॉज था सेक्शन 49O बोलता है कि अगर कोई वोटर अपना वोट किसी कैंडिडेट को नहीं डालना चाहता है, अगर कोई वोटर अपना वोट किसी कैंडिडेट को नहीं डालना चाहता है तो एक फॉर्म भर सकता है और सिग्नेचर करेगा, अपना नाम लिखेगा और उसमें लिखेगा कि मेरा वोट किसी कैंडिडेट को ना दिया जाए, तो एक फॉर्म भर रहा है ना। इससे आपने वोटर को चॉइस दे दी कि वो रिजेक्ट कर दे सारे कैंडिडेट को, किसी को वोट ना दे मगर फिर भी वोट कर दे, मगर उससे उसकी सीक्रेसी आउट हो जाती है, बिकॉज मैंने किसी को वोट नहीं दिया, ये मैंने फॉर्म में लिख के दिया है, मेरी सीक्रेसी आउट हो जाती है। नोटा मुझे यही फैसिलिटी देता है मगर मेरी सीक्रेसी बनाए रखता है, बिकॉज नोटा देने के लिए मुझे कोई फॉर्म नहीं भरना है, मुझे सिर्फ मशीन में बटन दबाना है। तो नोटा ने सेक्शन 49O को रिप्लेस कर दिया और उससे क्या हो रहा है, मेरी चॉइस मुझे बरकरार है, मुझे ज्यादा चॉइसेस मिल गई है, नोटा भी दबा सकता हूं मैं और मेरी सीक्रेसी बनी रहेगी कि मैंने किसी को वोट नहीं दिया है। सो दिस वॉज बिफोर नोटा। आई होप यू कुड बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो टू सम एक्सटेंट। थैंक यू।